नमस्कार जी जानकारी को स्वागत करुछि मु शुभश्री। घटना बहुल जीवन अनेक कथा और घटना आम जीवन को प्रभावित करे, तबे अनेक जरूरी कथा आमे जानि न थाउ। एमिती किछि कथा जहां आपनको सूचना देबो, एमिती किछि तथ्य जहां आपनको सतर्क कराइबो, जरूरी सूचना को नै आमर प्रयास जी जानकारी। वर्तमान वर्षा ऋतु चली, ऋतु आसिले लोके प्रबल ग्रीष्म प्रवाहर मुक्ति पाई। कृषक चाषकाम आरंभ कर जलाभाव दूर होता है। वर्षा सह घड़घड़ी और बिजुली मारिबा एक स्वाभाविक प्रक्रिया। सामान्य असावधानता कारण घड़घड़ी और बिजुली जीवन नहीं था। बिजुली किभली उत्पन्न हुए, कहीं जीवन निए और कि सतर्कता अवलम्बन कले बर्ती जाई हबो, देखिबा जी जानकारी रे एक रिपोर्ट। प्रबल ग्रीष्म परे वर्षार आगमन जीवजंतु प्राणी जगत समस्त मनरे भरिदिए असुमारी आनंद। वर्षा सह घर और बिजुली रही निविड़ संपर्क। वर्षा जीवजगत मनरे कौतूहल सृष्टि करुवा बेले बिजुली घड़घड़ी आतंक सृष्टि करिथाए। बिजुली जीवन मध्य निथाए। वर्षा पूर्व बिजुली घड़घड़ी काहीं आसीथाए, यह एबे भी अनेकंक मनरे विराट प्रश्न हो रही। बिजुली बा चड़चड़ी जहाँ जीवजंतु जीवन नुहे, तार सृष्टि और कहीं पृथ्वी को आकर्षित हो आसे, तार रही वैज्ञानिक कारण। अनेक समय वर्षा पूर्व बिजुली मारी थाए। आकाश में युक्तात्मक तरंग वायुसह संस्पर्श आसी थाए। यार गति विपरीत दिगक हेले घर्षण सृष्टि हुए, से जात हुए बिजुली। बिजुली वैद्युतिक तरंग अतिक्रम करने आवश्यक होता है कंडक्टर। आकाश में यह उपलब्ध नृथ्वी आड़ खसी थाए। खसवा समय सृष्टि हुए आलोक और प्रबल वैद्युतिक शक्ति। यह सामने जेको जीवजंतु मनुष्य आसती से प्राण जाए। सामान्य किसी सतर्कता अवलम्बन कले बहुमूल्य जीवन जीवन बंची जाइ। बिजुली आकाशर पृथ्वी आड़ खसवा बेले कंडक्टर बा बिजुली को आकर्षित कर धातुर तलाश थाए, तेणु जीवजंतु कि मनुष्य को कंडक्टर दूरे रहा उचित। बिजुली मारिबा बेले खाली पादरे माटीर संस्पर्श आसिले या घातक होइथाय। चटाण उपरे चपल पिंधिबा निरापद। वर्षा घड़घड़ी मारिबा संगे संगे घरर समस्त बिजुली संयोग को बाहर करदेबा उचित। मोबाइल फोन व्यवहार संपूर्ण निवृत्त रहिबा दरकार। खासकरी बिजुली संयोग थाई मोबाइल व्यवहार करिबा सबुठारु विपज्जनक। बिजुली उत्पन्न करथुवा सामग्री रेडिएटर जनरेटर टर्बाइन फ्यान ठारु दूरता रखिबा जरूरी। आकाशर आसुथिबा बिजुलीर शक्ति सूर्यक शक्ति ठारु मध्य अधिक। बिजुली बेग मिली सेकेंड्र मध्य कम होता है, तेणु सामान्य अवहेला कारण जीवन जीवार संभावना रही। खोला पड़िया गच्छ बिजुली खुंट मोबाइल टावर तले रहिबा आदम उचित नुहे। वज्राघातर प्रभाव मनुष्य मुंड कांध बेक उपरे अधिक पड़ताए, तेणु वज्राघात समय निरापद स्थान रहिबा मांचनीय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिजुली प्रभाव महिला तुलन में पुरुषों पर अधिक पड़ता है। वर्षा पवन आसवा संगे संगे घर समस्त वैद्युतिक उपकरण को विद्युत संयोग विच्छिन्न करिबा जरूरी, कारण उच्च कंडक्टर युक्त होइथिबारु बिजुली एहा माध्यमरे घरे प्रवेश करिबार संभावना रहिथाय। शेषरे घर करिबा समयरे बिजुली को घर भीतर को प्रवेश न करै देबा पई उपयुक्त आर्थिंग व्यवस्था करिबा जरूरी। सामान्य सतर्कता बहुमूल्य जीवन को बंचाई दे पारे, तेणु वज्राघात समय व्यस्त विपरीत हो कौनसी काम परिवर्ते किसी समय यह एड़ा बुद्धिमान काम हो। ए प्रसंगे आलोचना करने आम सहित स्टूडियो उपस्थित अच्छा वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र। डॉक्टर मिश्र आपन को आलोचना को स्वागत करुछि। तेबे दर्शक बंधु आपण मानकर जदि एने कोनोसी प्रश्न रहिछे तेबे निश्चित भाव में आपण माने आमको फोन करि परिबे, आपणको प्रश्न एवं मतामत को आम कार्यक्रम में उपस्थापन करि परिबे। आलोचना को आसिबा डॉक्टर मिश्र, जेमिति गोटे पटे वर्षा दिन आसे सारिछि समस्त मन में खुशी, साधारण लोक आरंभ कर कृषक पर्यंत समस्ते खुशी अच्छा वर्षार आगमन को ले, किंतु वर्षा दिन आसिले आउ गोटे मन में भय थाए बिजुली को नहीं। प्रकृत में बिजुली कौन एवं यह केते प्रकार रो बिजुली कौन, ये जो प्रश्न आपण पचारले तार गोटे स्टेटमेंट आम दूची जहाँ को आम इंग्लीश रे लाइटनिंग बोली कही था इंग्राजी रे,
Lightning is a sudden electrostatic discharge that occurs during a thunderstorm. पूरे थंडरस्टॉर्म समय रे वज्रपात समय रे गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है जहाँ आम आलोक रूप से देखी था तो लाइटनिंग हेला बेले आम दुईटा जिनस देखी था गोटे आलोक देखी था आ गोटे शब्द शुणी था लाइटनिंग होती तीन प्रकार गोटे मेघखंड भितर मध्य तार इंटर डिस्चार्ज हो पाए जहाँ आम कह इंटर इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग गोटे क्लाउड भितर इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग गोटे मेघखंड आ गोटे मेघखंड मतलब धक्का है इंटर क्लाउड लाइटनिंग तृतीय प्रकार होते बिजुली आसूची से माटी को स्पर्श करता है धरित्री की स्पर्श करता है तो क्लाउड आउ ग्राउंड आ भितर स्पर्श है सीजी लाइटनिंग क्राउंड ग्राउंड लाइटनिंग ये लाइट आप देखी था से लाइट प्लाज्मा लाइट बोली आप जानते मैटर हूँ चार प्रकार एक्चुअली आप तीन प्रकार देखते सॉलिड लिक्विड और गैस आउ गोटे स्टेट ऑफ मैटर होती प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कही था जो लाइटनिंग आप देखी था आकाशे प्लाज्मा स्टेट जोटा कि हूँ मैटर फोर्थ स्टेट जो ताकि साउंड शुणी था आम कहता हूँ थंडरस्टॉर्म है तृतीय कथा आसूर जो फ्रिक्वेन्सी जो फ्रिक्वेन्सी बिजुली आकाश फॉर्मेशन होता है 40 to 50 टाइम्स पर सेकेंड होता है ड्यूरेशन रही है 0.2 सेकेंड्स डॉक्टर आमे मध्ये पिला दिने पढ़ी आसछु अत्यधिक लोक मत जानिथिबे जे वर्षा हवा समय रे बिजुली मारे एवं आकाश रे आलोक देखबाक मिले ता परवर्ती किछि क्षण परे गोटे साउंड सुनिबाक मिले आरो वैज्ञानिक कारण कोन होइछ डॉक्टर लाइट रे वेलोसिटी इज मेनी मेनी टाइम्स फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड त बिजुली मारिले प्रथम आलोक देखि थांती शब्द ता परे टिके सुनि थांती बहुत समय परे हम शब्द सुनि थांती जेहेतु आलोक रे वेलोसिटी शब्द रे वेलोसिटी से अति मात्रा रे अधिक अच्छा द्वितीय कथा मुसबि आप पृथ्वी जो कथा कहले जो बिजुली बा वज्रघात पृथ्वी रे को जगह मुख्यतः ये बिजुली होता है बेसी बेसी मात्रा संगठित होता है आप देखिए कंगो रोटे जगह अच्छे कंगो से जगार ना हूँ किफुफा किफुका से आप 158 लाइटनिंग स्ट्राइक्स पर 1 किलोमीटर पर ईयर यहाँ संगठित होता है द्वितीय हूँ आप भेनेजुआला गोटे जगह अच्छी लेक माराकाइबो भेनेजुआला से अति मात्रा आप लाइटनिंग होता है तृतीय हूँ आप काटाटुम्बो आ गोटे जगह अच्छी भेनेजुआला से बहुमात्रा लाइटनिंग होता है सिंगापुर में लाइटनिंग सिंगापुर होता है सेंट्रल फ्लोरीडा लाइटनिंग होता है ये जो कतोटी जगह मुझे कहली समग्र विश्व में अति मात्रा ये जगह मैंने लाइटनिंग होता है डॉक्टर आपण तो आमको विस्तृत भाव में पूछे बिजुली कौन बिजुली केते प्रकार रो एवं विश्वर कोठी अधिक मात्रा रे वज्राघात होबार संभावना अधिक रही एग्जांपल मते देखा मिले आम पाखे रिपोर्ट अच्छे रिपोर्ट जहां कह वर्ष को विश्व में 2000 लोक वज्राघात मृत्युवरण करते बांग्लादेश मृतकों संख्या सबुठ अधिक डॉक्टर वर्तमान जानवाई चाहिए क्यों अवस्था थे वज्राघात मार्बार संभावना अधिक थाए विशेषकर नईरे गाधुंट पोखर गाधुंत टप्रे गाधुंत बाथरूम गाधुंत इमिडियेटली वाटर सिस्टम को बंद करेंगे ये गोटे बड़ इंपोर्टेंट क्या मैं आप बॉडी सिस्टम को वाटर अलग रखिए पोखर नई पा पोखर कौटी गाधेबे द्वितीय कथ करेंगे इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेंट आप रही कंप्यूटर रही गेजर रही ग्राइंडर रही जिते इक्विपमेंट रही सब आप डिस्कनेक्ट करदे स्विच ऑफ करदे तृतीय कथ हूँ फोन विशेषकर कॉर्ड कॉर्ड फोन जो फोन कॉर्ड लगी तार जमा व्यवहार कर मोबाइल फोन व्यवहार करेंगे ना कंक्रीट फ्लोर वॉल्स रहिबे यार अर्थ आपण जहाँ कहते जे कंक्रीट फ्लोर बा चट्टान अत्यधिक विपद माटी चट्टान अपेक्षा माटी चट्टान जन सुरक्षित रही पारे किंतु कंक्रीट फ्लोर जब खाली पाद था तबे बिजुली मारबार संभावना अधिक रही तबे से समय चप्पल व्यवहार केते दूर आवश्यक चप्पल व्यवहार करबा उचित कारण खाली पाद रहले सारा कंडक्शन है कि माटी की चली जाए बॉडी सिस्टम को आघात करिबो तनो आपण पाद तले गुटे किछ रहया दरकार विशेषकर चप्पल रहया दरकार चमड़ा चप्पल रहया और बेटर देन द फोम चमड़ा चप्पल रहया नित दरकार अधिकांश समय आम देखी जहां टीके समय पूर्व कहते इलेक्ट्रिसिटी से समय बंद रखा आवश्यक फोन रहा कर्ड फोन अच्छी दूर रखा आवश्यक डॉक्टर आउ गोटे प्रश्न जहां जानवाई चाहिए उत्तर आपंज बर्तमान मोबाइल यूजरकारी संख्या बढ़ुच्च से अनुसार टावर संख्या बढ़ुच्च तेणु टावर कौटना कौटी गोटे कारण साजिश कि वज्राघात निश्चित भाव कारण टावर पाखे टावर आजिकल घर पाखापाखि अंचल रखु स्कूल कलेज पाखापाखि अंचल रखु दूर रहा दरकार आपंकर रेसीडेंशियल सिस्टम रो दूर रहा दरकार कोटा मोबाइल टावर से मोबाइल टावर तले आश्रय ने गछ तले आश्रय ने
ପଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରା ନେବେନି, ନଈରେ ଆଶ୍ରା ନେବେନି, ଆପଣ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ମାରିଲେ ଘର ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ରିମେନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ହୋମ୍, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିବେ ଆପଣ। ଆଭଏଡ୍ ୟୁଜିଂ ଟେଲିଫୋନ୍, ଟେଲିଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଟିଭି, ରେଡିଓ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଘରେ ବସିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ତଳେ ଆଣ୍ଠୁରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ମୋର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍, ବଡିଟାକୁ ଲାଇ ଡାଉନ୍ କରି ପୁରା ଶୋଇଯିବାନି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଭ୍ୟାଲିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଉପରେ ନ ରହିକି ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ଭ୍ୟାଲିରୁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ବନ୍ୟା ହବ, ବର୍ଷା ହବ, ବନ୍ୟା ହବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାଲିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରଖିବା। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଲର୍, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆସାମରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମ ଘରେ ସପ୍ଲାଏ ନଥାଏ। ସଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଟିକେ ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପଚାରିବାର ହେଲା ଯେ ଘରେ ସପ୍ଲାଏ ନଥିବ, ଘରେ ଯଦି ସପ୍ଲାଏ ନଥାଏ, ବିଜୁଳି ମାରିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ କି? ଘରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ଥିଲେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଲ୍ବ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ସପ୍ଲାଏ ଘରେ ନାହିଁ ତ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, ତ ଆପଣ ନିରାପଦ, ବେଶୀ ନିରାପଦ ରହିବେ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାର୍, ପଚାରିବାର କଥା ହଉଛି ଘର ଦେହରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆର୍ଥିଂଟା ଯୋଉଟା କରୁଛେ ସେ ଆର୍ଥିଂଟା କଣ ଛାତ ଉପରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ କୋଠା, ସେଥିରେ ତ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ତାର କନେକ୍ସନ୍ ରହିଥାଏ ଉପରେ, କନେକ୍ସନ୍ଟା ତଳୁ ହେଇଯାଏ, ଉପରୁ ଆସି ତଳକୁ ଆସିଥାଏ, ତ ବିଜୁଳିଟା ଆସିଲେ ସେଟା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ବାଟିକି ଚାଲିଯାଏ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତିହତ କରିବ ଲାଇଟିନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟ ଘର ହଉ, ବଡ ଘର ହଉ, ଫ୍ଲାଟ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟେନା ଦେବେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ, ବିଜୁଳି ଆସିଲେ ସେଟା ନେଇକି ଆର୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଚାଲିଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ ବା ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବଜ୍ରାଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଥାଉଛନ୍ତି ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଲାଇଟିନିଂ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବଡିକୁ ଟିକେ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟିକେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଉ? ଆପଣ ବଡିଟା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆଟା ବଢିଯାଉଛି, ବିଜୁଳି ଆଘାତ ପାଇବା ପାଇଁ ତା ବେଶୀ ସ୍କୋପ୍ ବଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଡିଟାକୁ ଯଦି ଛୋଟ କରିଦେବେ, କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବେ, ହାତଟାକୁ ରଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ, ଆପଣ ବଡି ସିଷ୍ଟମଟା ଯେତେବେଳେ ମିନିମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆଟା କମିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଜୁଳି ଆଘାତ ପାଇବାଟା ପ୍ରବାବିଲିଟିଟା କମିଗଲା। ତେଣୁ ପୁରା ବିଲରେ ଶୋଇ ନ ଯାଇକି, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ନ ଯାଇ, ପଡ଼ିଆରେ ଶୋଇ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ବଡି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କମିଯିବ, ବିଜୁଳି ଆଘାତରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବଜ୍ରାଘାତର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସିଥାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ବା ବାହାରକୁ କିଛି ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବଜ୍ରାଘାତ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଧାଇଁଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ କି ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିପ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା? ନା, ଗଛ ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ବିଲରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଲରେ ବା କ୍ଷେତରେ, ପଡ଼ିଆରେ, ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ହେଲେ, ବିଜୁଳି ମାରିଲେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପଡ଼ିଆରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ତ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବିଲ ସାରେ ତାର ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍, ପଡ଼ିଆ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଲ୍ଡାଉଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜ୍ରାଘାତର ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କମିଯିବ, ଗଛ ତଳେ ବଜ୍ରାଘାତ ମାରିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଗଛ ତଳେ ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ନେଇକି ମଣିଷମାନେ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ସାର, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ତ ଘରେ ସବୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଧରିବେ? ଆଜ୍ଞା,
ଆଜିକାଲି ଘରେ ଯୋଉ ଲାଇନ କନେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଆର୍ଥିଂ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦିଆଯିବ ଘରେ ଆର୍ଥିଂଟା କେମିତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବାବଦରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ସେଟା ଆର୍ଥିଂ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ, ବିଜୁଳି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବଡ ବଡ କୋଠା ମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ଆଘାତକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆର୍ଥିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଘର ହଉ ବଡ ହଉ, ହାଇଟ କମ ହଉ କି ବଡ ହଉ, ଆର୍ଥିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିଂ ଆପଣ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ କଲ ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ ବାବୁ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ଥିବ, ତ ଇନଭର୍ଟର କୁ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ନା ଚାଲୁ? ଆଜ୍ଞା